हेलो गाइज, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको मसालेदार चटपटी मसाला मैगी बनाना सिखाऊंगा। मसालेदार मैगी बनाने के लिए हमने एक पैकेट मैगी, एक कटा हुआ छोटा प्याज, एक कटा हुआ छोटा टमाटर, हरा धनिया, दो कली लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का पेस्ट, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ हाफ टी स्पून देगी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को लिया। अब हम मसालेदार मैगी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब मैगी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस को जला दिया है। अब हम इसके ऊपर पैन को रखेंगे। पैन में हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारे पास गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज को डालेंगे। प्याज को हम मीडियम आंच में भून देंगे। हमारे पास प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हम प्याज और तेल के साथ हल्का भून देंगे। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हमने जो मसाले लिए थे इन सब को इसके बीच डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप गर्म पानी का डालेंगे। पानी डालने से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। हम इन सब को मीडियम आंच में पकाएंगे। हमारी मैगी मसाला की ग्रेवी अच्छी तरह से बन चुकी है। आप इसको साथ साथ हिलाते रहें, साथ में इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहें। ऐसा करने से हमारी मसाला ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाएगी। अब हम इसमें मैगी को डालेंगे, साथ में एक कप गर्म पानी का भी डालेंगे। अब हम फिर से मैगी को 2 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। हमारी जो मैगी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। आखिर में हम इसमें मैगी का मसाला डालेंगे। मैगी मसाला आखिर में डालने से इसकी खुशबू अच्छी आती है। मैगी मसाला डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। फिर ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक मैगी को ढक देंगे। ऐसा करने से मैगी का मसाला मैगी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। हमारी मैगी अब बनकर तैयार हो चुकी है। आखिर में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हमारी मैगी खाने के लिए तैयार है। आप भी इस तरह की मसाला मैगी अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।